बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, यही वजह है कि देश भर में दशहरे के मौके पर उत्साह नजर आ रहा था। इस मौके पर दिल्ली के लाल किले से सटे रामलीला मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र पहुंचे। पीएम ने सबसे पहले राम लक्ष्मण को तिलक लगाया, उसके बाद मंच पर चढ़े। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही, उन्होंने भी राम लक्ष्मण को तिलक लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दशहरा समारोह के तहत लाल किले के माधव दास पार्क में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने हाथों से धनुष थामकर तीर चलाया और रावण के पुतले का दहन किया। बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लाल किले के माधव दास पार्क में रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।